प्रशासन भी गया, पैसा लेकर के भी गया, बिक गया। देखिए प्रशासन भी गया, हम लोग पहुँचे, हम लोग के लाठी लेकर के रगेद करके भगा दिया गया। क्या है, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ मास्टर किया है गलत काम, लड़की के साथ बलात्कार किया है। अच्छा। और उसके बाद जो हेडमास्टर आए, प्रशासन लोग मिलकर के मैनेज कर दिया, मैनेज कर दिया। हम लोग जो है बच्चा कैसे देंगे कॉलेज में? प्रशासन भी भरोसा नहीं है, प्रिंसिपल पर भी भरोसा नहीं है। हम लोग अपने बच्ची को विद्यालय में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और हमारे टीचर यदि खतरनाक घटना है जो बार बार बोला जा रहा है इन लोगों के साथ, जो बार बार कॉल ये स्कूल में होता है। ठीक है, अब ये बच्चा इसी स्कूल में पढ़ते हो आप? इसी स्कूल में? ये पढ़ाई नाम क्या है? राजू कुमार। टीचर भाग गया है, टीचर भाग गया है। इसी स्कूल की घटना है और शुक्रवार के दिन की घटना है। कौन हेडमास्टर से जाके कुमार को क्या हुआ है? अभी स्कूल की घटना है, अभी शिक्षक बच्चे को परेशान किए हैं, उस शुक्रवार की घटना उतनी जानकारी नहीं है इन लोग के पास जता है। लेकिन देखिए प्रशासन अभी बिक गया, पैसा लेकर के बिक गया, बिक गया। देखिए प्रशासन बिक गया, हम लोग पहुँचे, हम लोग के लाठी लेकर के रगेद करके भगा दिया गया। नहीं बोल रहे प्रशासन, नहीं प्रशासन लाठी लेकर चार्ज कर दिया। कोई हमसे हुआ क्या है, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ मास्टर किया है गलत काम, लड़की के साथ बलात्कार किया है। अच्छा। और उसके बाद जो हेडमास्टर आए, प्रशासन लोग मिलकर के मैनेज कर दिया, मैनेज कर दिया। हम लोग जो है बच्चा कैसे देंगे कॉलेज में? प्रशासन भी भरोसा नहीं है, प्रिंसिपल पर भी भरोसा नहीं है, किस पर हम देंगे बच्चा? तो कब की घटना? शुक्रवार की? हाँ, शुक्रवार की घटना है। और अभी जब बात पूछ रहे प्रशासन से तो बोले कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। नहीं नहीं, प्रशासन भी क्या मैनेज है, पैसा लेकर के वो मैनेज कर दिया। ये कौन सा स्कूल है यहाँ पे? राजकीय कन्या मध्य विद्यालय है, कन्या मध्य विद्यालय उंडी। हाँ, उंडी सापुर, उंडी। अभी देखिए, अभी हम लोग सापुर पटोरी में है और यहाँ पे एक पुरानी बाजार है और कन्या विद्यालय है, और यहाँ पे शुक्रवार के दिन एकत्रित तौर पे लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि शुक्रवार के दिन यहाँ पे एक टीचर ने लड़की के साथ छेड़छाड़ किया, बलात्कार किया है। और अभी प्रशासन यहाँ पे है, जब सब लोगों को पता चला तो प्रशासन यहाँ पे आई हुई है, लेकिन मना कर रही है बताने से, कुछ भी बच रही है। हुआ क्या है भाई जी यहाँ पे? यहाँ हुई है, जो अनुराग राय मास्टर है, टीचर सापुरुंडी के निवासी है, शुक्रवार की घटना है। एक घटना है, जो घटना होने के बाद आवेदन दिया गया, यहाँ भी दिया गया और थाना भी दिया गया। थाना और टीचर मिल के उन्होंने कहा जी आज 10 बजे जो है इसका सबको मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग को मांग यही है कि हम लोग अपने बच्ची को विद्यालय में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और हमारे टीचर यदि ये भ्रष्ट दुर्व्यवहार करने वाला इस तरीके से करेंगे, एक कांड करेंगे, यहाँ से बुला कर अकेले लड़की को ले जाके प्रलोभन दे के और उनके साथ कांड करते रहते हैं, फॉर्म भराने के बहाने अप्लाई कराएंगे, फॉर्म आगे तुमको पढ़ाई कराएंगे और उसको ठग के ले जाके देगा, बहुत लोभ देगा तब बच्चे को ले जाके। अलग जो है लोकल मामला है, इसको चाप करने के लिए सारी प्रशासन जो है इसको चाप चाप कर कार्रवाई होगी। मेरा कहना यही जे दोषी व्यक्ति पर अविलंब कार्रवाई हो। अभी जब हम प्रशासन से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, वो उनका कहना तो कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, सब कुछ हुई है, 3 दिन से आवेदन जा रही है। मैंने SDO को फोन किया, DSP को फोन किया, थाना अध्यक्ष को फोन किया, इससे पहले भी कांड हो चुकी है 5 दिन पहले। SDO साहब ने क्या कहा? SDO साहब ने कहा मैं आता हूँ, आप थाना को फोन कीजिए, थाना को फोन किए, थाना आई है, BO को फोन किए, BO आई है, BO बताया जब कार्रवाई कर रहे हैं और उसको दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर कर रहा हूँ और उस पर भी आगे कार्रवाई होगी। इसीलिए विभागीय कार्रवाई अभी तक नहीं की है, कोई कार्रवाई नहीं है सर। इस स्कूल में कई घटना हो रखा है, पहले भी आवेदन दिया गया, कोई नहीं सुना। आप मीडिया वाला मान ले 5 मिनट के लिए क्यों भाग गए? क्या हो गया? मीडिया वाला जब मान ले पूरा अनाउंस हो रहा था, हम लोग बोल रहे थे तो क्यों भागे? हमारा कहना है मान ले कि हमारा बच्ची पढ़ने आएगा, आपको बहन हो, मेरा बहन हो, मेरा बच्ची हो, ऐसा घटना क्यों हुआ? इसके मतलब ये है कि जे ना प्रशासन ठीक है, ना ऊपर का अधिकारी, स्कूल मिला हुआ है, स्कूल प्रशासन और स्कूल और अधिकारी ठीक नहीं है। हमको बोला प्रशासन अभी जे 4 डंडा मारेंगे मिजाज ठंडा हो जाएगा, पब्लिक से बढ़ के कोई चीज नहीं, हमारा फोटो खींचिए, हम पब्लिक अगर चाह जाए तो सरकार तक हिल जाएगा। ठीक है, पब्लिक से बढ़ के कोई चीज नहीं है, पब्लिक अगर चाह जाए तो सरकार हिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रशासन भी लोग बोल रहे हैं जो मिला हुआ है, और जब घटना हुआ तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत खतरनाक घटना है जो बार बार बोला जा रहा है इन लोगों के साथ, जो बार बार कॉल ये स्कूल में होता है। ठीक है, तो ये एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पे ना ऐसा कांड अगले दिन से ना होना चाहिए। ये सरकार और बच्चे गरीब
कोई अमीर का लड़का तो पढ़ने नहीं जाता है, पता है यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन जो प्रशासन है नहीं बचा रहे हैं, बचा रहे हैं, उनको तो हम 3 दिन पहले थाना में दिया ना कमाने के लिए, वो तो पैसा रुपया मिल गया, हाँ माल मिल गया, माल लेकर कम्प्रोमाइज कर रहा है, हम लोग आए तो गाड़ी पकड़ के पैसा कमाने के लिए गाड़ी पकड़ रहे हैं, लास्ट गाड़ी पकड़ रहे हैं, समझ रहा है, अपना बच्ची को नहीं भेजेंगे, अपना बच्चा को स्कूल भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, इसको कॉलेज नहीं पठाएंगे, कौन सी मीडिया है, सुनिए एक सेकंड, एक्शन, अगर सरकार ने कोई सस्ता सरकारी स्कूल देता है, किस लिए देता है, बच्चों के, गरीब का बच्चा जाता है, को बताइए जो कोई बड़ा आदमी का बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने, कोई जाता है बड़ा आदमी का बच्चा पढ़ने, अगर सरकारी स्कूल में कोई गरीब का बच्चा जाए पढ़ने, अगर इस तरह का घटना होगा तो कोई भेजेगा, गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा, गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा, सारे आदमी चलिए अभी जो गाड़ी पकड़ रहा है स्कूल के सामने आया था, स्कूल के समाधान करने चेक इन पोस्ट लगा, हुआ क्या है यहाँ पे आए हैं वो स्कूल को कवर करने के लिए, लोगों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो जाए, और मजबूरी में प्रशासन क्या कर रही है यहाँ पे कि बाइक चेकिंग कर, बाइक चेकिंग करने का क्यों है, धोखा के साथ धोखा दिया जा रहा है, धोखा दे रहा है, इसी स्कूल में पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ता सरकारी, क्या हुआ यहाँ पे, वो हम नहीं देखे थे, सुनने में क्या आया है, कहता है की लड़की के लेकर भाग गया फॉर्म के बहाना पर, कौन लेके भाग गया, टीचर अनुराग सर, अनुराग सर, हाँ कब लेके भागे हैं, और गया शुक्र के, शुक्रवार के, अरे भाई दर्ज करने पर दोषी बाहर क्यों है, उसको है पुलिस ने उठाया उसे, बाहर प्रशासन के भी इतना आक्रमण में आया, हम लोग के डंडे चलाने की कोशिश कर रहा है, बचपन में पढ़े कुछ नहीं हुआ, आज मेरा बच्चा, अब देखिए अब ये बच्चा इसी स्कूल में पढ़ते हो आप, इसी स्कूल में, ये लेकर नाम क्या है, राजू कुमार, हुआ क्या ये बताओ, भाग गया लेकर, भाग गया है, टीचर भाग गया है, हाँ। और ये लड़का कहना इसी स्कूल में ये लड़का पढ़ता है और ड्यूटी जाता है, लेकिन आज तक एक दिन भी नहीं पढ़ा, मेरा आठवां का बच्चा, आप ही का लड़का, हाँ एक और है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, हम इसके लिए हम सोचे थे जो बुलाएंगे किसी को मीडिया वाला को, लेकिन पढ़ाई नहीं है, अठवा मेरा बच्चा चल गया, हम रोकने गए हैं, पढ़ाई यार नहीं होता, मेरा बच्चा बेकार हो गया, बच्चा नहीं देंगे, अन्यथा सरकार को स्कूल का अच्छा व्यवस्था दिया जाए, अन्यथा बंद कर दिया जाए, जो फोकट में जितना सारा टीचर है, एक सेकंड जितना टीचर है, अगर बताइए जो हराम का पैसा नहीं खाता है, साले 10 बजे आता है और 2 बजे भाग जाता है और नींद घिंचता है कुर्सी पर बैठ के, वो तो एक अलग मामला है, पढ़ाई नहीं होती सरकारी स्कूल, लेकिन अभी जो घटना हुई है लड़की के साथ, हाँ। टीचर लेके भाग गया है और लड़की वापस घर आई है, लेकिन टीचर अभी फरार, अभी फरार है, जहाँ पे ये पुलिस वहीं पे ये स्कूल है, और वहाँ पे चलकर हम दिखाएंगे कि यही इसी स्कूल की घटना है, इसी स्कूल की घटना है, और यहाँ पे भी प्रशासन के लोग खड़े हैं और कुछ भी कहने से बच रहे हैं, उनका कहना है कि हम लोगों को पता ही नहीं किस लिए हम लोग यहाँ पे हैं, और जब ये पूछा गया तो बाद में पुलिस प्रशासन ने गाड़ी चेकिंग का बहाना करके कुछ मोटरसाइकिल रोके हैं और चेकिंग करने लगे हैं, और फिर से हम कोशिश करेंगे कि उनसे जाने की हुआ क्या है, आप लोग कहने से बच रहे हैं, लोग लेकिन बता रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग यहाँ गाड़ी चेकिंग में लगे हुए, देखिए आप लोग बहाना बना रहे हैं, यहाँ पे आप लोग बहाना बना रहे हैं, सच कहने से बच रहे हैं, आप यहाँ के लोकल है कहीं से आए नहीं, आप लोग तो बताइएगा नहीं क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग को पता नहीं, वहाँ सर से कहाँ पे सर, सर कौन है, सर कौन है, बोले कुछ सर बताएंगे, सर सर बताया गया है कि यहाँ पे कुछ, कौन बताया तुमको, कौन बताया, हाँ वही तो पूछ रहे हैं ना, यहाँ के पब्लिक ने फोन किया, कौन क्या बताया है, बताया कि शुक्रवार के दिन की घटना है, कौन तो जाके हेडमास्टर से जाके पूछ के, यही स्कूल है जिसपे घटना हुई, सर यहाँ पे क्या हुआ है शुक्रवार के दिन, कुछ नहीं हुआ है, लोग बवाल कर रखे हैं, फोन करके बाहर जाएं, अभी यहाँ पे बाहर जाने के लिए बताया जा रहा है, कुछ नहीं होने की बात कही जा रही है, लेकिन हम बच्चों से बात करेंगे, हुआ क्या है यहाँ पे, क्या हुआ है बाबू यहाँ पे, शुक्रवार को क्या हुआ है, शुक्रवार के दिन क्या हुआ है, शुक्रवार के दिन क्या हुआ है यहाँ पे, सर क्या हुआ, आप लोग क्यों छुपा रहे हैं, सर आपका नाम क्या, फिर वही कह रहे हैं आप लोग, देखिए भेज रहे हैं बाहर, आपका नाम क्या है सर, वही कह रहे हैं चले चले जाइए, चले जाइए, देखिए ये बात है, अन्य टीचर कुछ भी कहने से बच रहे हैं और बच्चे से बात भी करने नहीं दिया जा रहा है, और शुक्रवार के दिन कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक टीचर है अनुराग सर करके,
उनका नाम बताया जा रहा है कि एक लड़की के साथ उन्होंने गलत किया है और लड़की को यहाँ से भगाए हैं फॉर्म भरवाने के नाम पे।